पूरी दुनिया में खेल में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की इस वक्त नज़र T20 वर्ल्ड कप पर टिकी हुई है और उसमें भी सबसे ज्यादा दिलचस्पी भारत और पाकिस्तान पर है। जहां एक तरफ भारत इस वर्ल्ड कप में एक्टिव मोड में है तो वहीं पाकिस्तानी टीम लगातार करारी हार का सामना कर रही है। 27 अक्टूबर को पाकिस्तानी टीम का मुकाबला जिम्बाब्वे से था जहां पाकिस्तान को एक रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस हार के बाद से ही पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बौखला गए हैं और गुस्से में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शोएब अख्तर, आकिब जावेद, मोइन खान, वकार यूनुस और मिसबाहुल हक समेत सभी गुस्से में भरे हुए हैं। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बिल्कुल दरकिनार कर पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर तो इस हार पर इतना बौखला गए हैं कि उन्होंने अपनी टीम के साथ साथ भारतीय टीम को भी कमजोर बता दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस हफ्ते पाकिस्तानी टीम वापस आ जाएगी, अगले हफ्ते भारत भी वापस आ जाएगी, वो भी सेमीफाइनल खेलकर वापस आ जाएगी, वो भी कोई इतने 30 मार्का नहीं है, हम तो बिल्कुल ही, मैं क्या बोलूं, मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि कुछ मुंह से ना निकल जाए। साथ ही अख्तर का कहना है कि 23 अक्टूबर को हुए भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तानी टीम ने जीता जिताया मैच भारत को प्लेट पर रखकर दे दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को लेकर बाबर आजम को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। बता दें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की हार पर शोएब अख्तर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि ये हार बेहद दुख पहुंचाने वाली है, आपको नहीं हमें मीडिया फेस करना पड़ता है, भारत में बैठना पड़ता है, दुनिया को जवाब देना पड़ता है, अब इस परफॉर्मेंस के बाद क्या जवाब देंगे, ये शर्मनाक और निराशाजनक है। इतना ही नहीं, आकिब जावेद और मोइन खान के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी टीम की टेक्निकल खामियां गिनवाते हुए अपनी निराशा सामने रखी। खैर, अब तक हुए मैचेस में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोई कमाल नहीं कर पाई है। देखना दिलचस्प होगा कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बौखलाहट और गुस्से को देखते हुए 30 अक्टूबर को होने वाले पाकिस्तान नीदरलैंड मैच में पाकिस्तानी टीम कुछ कमाल दिखा पाएगी या एक बार फिर पाकिस्तान की गिल्लियां उड़ जाएंगी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।